नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव झा और आप देख रहे हैं कैरी टेक्निकल। तो गाइस, ये मेरा नया लुक जो है, ये जरा मैं इसे नजदीक कर देता हूँ। ये देखो, ये मैं फ्रेंच रखा हूँ। तो भाई कैसा लग रहा है इस चीज को जो है, आप कमेंट में जरूर बताइए क्या मुझे ये लुक रखनी चाहिए या फिर हटा देनी चाहिए। अब बात आती है टेक्निकल सागर की। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाल रखूं जैसा टेक्निकल सागर रखते हैं वैसा, बट मैं यहाँ पे बता दूं कि टेक्निकल सागर जो हेयर स्टाइल रखते हैं वो मैं बहुत पहले रखता था। तो ये नहीं है कि मैं उसका जो है कॉपी करने वाला हूँ। मैं इसलिए ये बात मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को, अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मैं एक दो दिन में जो है अपना हेयर सेटअप बिल्कुल जस्ट लाइक टेक्निकल सागर की तरफ करने वाला हूँ। तो प्लीज कमेंट में ये ना बोले कि आपने टेक्निकल सागर की कॉपी की है। और यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूं कि मेरी कुछ पहले की फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कि मेरे वो हेयर लुक दिखते हैं जो अभी टेक्निकल सागर रखे हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप ये ना सोचे कि मैं टेक्निकल सागर की तरह हेयर स्टाइल रखने के बारे में सोच रहा हूँ और मैं उनकी हेयर स्टाइल को कॉपी करने की सोच रहा हूँ। तो खैर, इन सब बातों को साइड में रखते हैं और हम करते हैं बात आज जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो जो है, गाइस मैं बता दूं कि यदि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मेरे चैनल पे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है या फिर आ गई थी और मेरे जो है 1000 जो सब्सक्राइबर थे और 4000 घंटे थे वो भी पूरी हो चुकी है, तो क्या मेरा मोनेटाइजेशन अप्रैल मई जून, जो कि अभी अप्रैल में था, अप्रैल से अब में भी जून तक चला गया है बात, तो क्या जून के लास्ट में ऑन होगा या नहीं होगा, यानी कि इनेबल होगा या नहीं होगा। तो गाइस, इन सारी बातों का जो है आज मैं इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करके आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको जो है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कचरा, वो जो है आपका बाहर हो जाने वाला है आज, क्योंकि मैं आपका कचरा को आज कर देने वाला हूँ साफ। लेकिन गाइज, एक बात और कहना चाहूंगा कि यार प्लीज जरूर बताना कि मेरा फ्रेंच लुक कैसा लग रहा है, ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो गाइज, मैं यहाँ पे बता दूं कि जिन लोगों के चैनल पे 3 महीने का या फिर 2 महीने का कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था या फिर अभी करंट में चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनका मोनेटाइजेशन जो है इनेबल हो जाए। गाइज, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक पे जो है यूट्यूब के एक्सपर्ट से डिस्कस किया था ईमेल के थ्रू, तो वहां से मुझे जो जवाब मिला था, जो रिप्लाई मिला था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गाइज, यूट्यूब के एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि आपको 3 महीने का कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है और इस बार जो है आपका सारा मतलब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाए। तो गाइस, मैं यहाँ पे बता दूं कि जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं बात किया हूँ उन्होंने यही कहा कि जो आपका 3 मंथ का जो पीरियड चल रहा है कॉपीराइट का, तो इस 3 मंथ पीरियड में जो आप यूट्यूब के ऊपर रेगुलर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो अपलोड करना बंद कर दें और जिस गलती की वजह से, यानी कि जिस वीडियो की वजह से आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, उस गलती को जो आप दोबारा रिपीट ना करें अपने चैनल पे, तो इससे जो है 90% चांस बनी रहेगी आपका, आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो सकता है। तो गाइज, और यदि मैं बात करूं कि आपके चैनल पे 10 दिन की भी कॉपीराइट स्ट्राइक हो या फिर 2 महीने की भी कॉपीराइट स्ट्राइक हो या फिर 3 महीने की भी कॉपीराइट स्ट्राइक हो, जो कि पहले आई थी अब खत्म हो चुकी है और आपका 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा हो चुका है, 4000 घंटा भी पूरा हो चुका है, तो क्या आपको करना चाहिए कि आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा, एक ये भी क्वेश्चन आती है। तो गाइस, मैं यहाँ पे बता दूं कि बिल्कुल आपका मोनेटाइजेशन जो इनेबल हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू रहना है और कोशिश करना है कि जो ये पीरियड चल रहा है मई या जून का, तो इस बीच में आपको किसी भी तरह के कॉपीराइट के झटके ना लग जाए। यदि झटके आ जाते हैं तो आपके मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होंगे, तो बस आप अपने चैनल पे कंटिन्यू रहो और
अपना रेगुलरिटी बनाए रखो और जो है फिर आपका 100% मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए बस इतना ही। तो तब तक लाइफ को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम।